यहाँ तो जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, और एक ही आदमी रोजगार दिया 17 महीना, उसका नाम है तेजस्वी यादव। रोजगार का दूसरा नाम है तेजस्वी कुमार, तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव रहेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। किससे उम्मीदें हैं आने वाले चुनाव? तेजस्वी यादव आएगा, तेजस्वी यादव। मोदी जी हैं, 400 पार आएंगे। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है विकल्प। तो वो सिर्फ नौकरी के भरोसे पे बैठना ठीक नहीं है, हालांकि नौकरी का मुद्दा थोड़ा सरकार इसमें फेल रही है, ये सही बात है। देखा ना, वो चाय बेचते जो 10,000 रुपए डेली कमाते, जाके देखो तो ना वहाँ पर ही 2,000 रुपया डेली कमाते। सारा व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलावे तो सही। शिक्षा है, स्कूल है, स्कूल में टीचर उचर सब से बढ़िया से चलावे ढंग से सब चीज़। इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, हैं पता है ना आपको, 10 लोग सिर्फ देश को चला रहे हैं। और ये क्या राहुल गांधी का, जिनको बोलने का सही तरीका नहीं है। अरे जो वादा करके आया था ना जी कि 10 लाख हम देंगे रोजगार 5 साल में, अब वो लड़का आया तभी कैसे रोजगार मिला? पहले 2 साल से नहीं रोजगार मिल रहा था। बिहार का जो है ना, इतना हम जानते हैं कि तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं है बिहार में। तेजस्वी नए हैं, पर जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका अपना, वो चीज़ क्या है? नीतीश जी ने जो गलती बार बार करी उससे सब जनता परेशान। तो तेजस्वी यादव की फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर से इसी तरह स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में खाली नौकरी निकले। यहाँ भाई को नौकरी चाहिए, साला को नौकरी चाहिए, अपनों नौकरी चाहिए। बिहार देखिए, चारों तरफ युवा नजर आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 24 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं जनविश्वास रैली भी कल ख़त्म हुई है। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि 24 के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम तो चंदन कुमार है। चंदन जी, 24 का चुनाव है, आपके हिसाब से कौन आ रहा है? सबसे पहले तो बिहार जो है ना, युवाओं का राज है। चारों तरफ देखिए, एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं दिख रहे हैं युवाओं को। यहाँ तो जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, और एक ही आदमी रोजगार दिया 17 महीना, उसका नाम है तेजस्वी यादव। तो यहाँ पर कोई केंद्र का नहीं है, कोई चमकता हुआ सितारा नहीं। अगर एक युवाओं के जहन में है तो तेजस्वी यादव की फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर से इसी तरह स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में खाली नौकरी निकले। यहाँ भाई को नौकरी चाहिए, साला को नौकरी चाहिए, अपनों नौकरी चाहिए। बिहार देखिए, चारों तरफ युवा नजर आ रहा, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो रोजगार चाहिए और जॉब चाहिए, हमारे क्या लेना देना मंदिर मस्जिद से। तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहेगुरु, तू यीशु मसीह, हरि नाम में तू समारा। अगर जो भगवान को सनातनी है वो जानते हैं, हर दिल दिल में भगवान है, कण कण में भगवान है। बिहार में अगर बस चाहिए तो उसका नाम है रोजगार, और रोजगार दे रहा बस तेजस्वी यादव। तो यहाँ बिहार में किसी का नहीं चलने वाला है। और बीजेपी को जो थोड़ा बहुत सीट आता, वो बिहार में आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा जो कलंक है वो है नीतीश कुमार। पते नहीं है सुबह कहाँ है, शाम में कहाँ जाएगा। नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी के कहने से और बीजेपी के साथ आने से बीजेपी का जो भी सीट आ रहा था वो भी बिहार में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि रोजगार हम दिए, क्रेडिट तेजस्वी ले गए, क्या लगता है? अरे जो वादा करके आया था ना जी कि 10 लाख हम देंगे रोजगार 5 साल में, अब वो लड़का आया तभी कैसे रोजगार मिला? पहले 2 साल से नहीं रोजगार मिल रहा था, वो आया लड़कावा तभी ना दिया जी। सबको युवा जिससे पूछिए, किसी को पत्नी को रोजगार चाहिए, किसी को साला को, किसी के बेटा से, और किसको बोलते हैं? किसान साला अनशन पे बैठा हुआ है। जवान सबका जो है बताता है कि उनका भी, जवानों का भी इनकम टैक्स कट रहा है। अग्निवीर हो गया साला, जो सेना में गाँव से 2-4 गो जाता था वो अग्निवीर चल गया कि अब 4 साल में चलाओ। ना तो जवान खुश है, ना किसान। और कोटा में जाके देखिए, पटना में चलिए, बाजार समिति में आपको रेला है बेचारा, 10-10 साल से पड़ रहा है, लॉज में डोल रहा है। पूछते अरे होगा रोजगार, बोला कोई पता नहीं भैया, ये युवाओं का राज है बिहार। यहाँ पर तो जोर देगा, यहाँ पर कोई मोदी मैजिक नहीं है, यहाँ तेजस्वी मैजिक चलेगा। बोलिए हर हर महादेव। चलिए, तो क्या सचमुच यहाँ पर तेजस्वी मैजिक ही चलेगा? रोजगार का दूसरा नाम है तेजस्वी कुमार, तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव रहेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, अन्यथा सब कुछ बिना रोजगार का हो जाएगा। अच्छा, अभी बहालियां निकल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अब सुधर जाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। ये नीतीश कुमार जब तक बिहार में रहेंगे तब तक बेरोजगारी का समस्या दूर नहीं होगा। युवाओं का रोजगार के लिए वही है तेजस्वी यादव। अच्छा, तो केंद्र में भी मोदी जी को देखा जाए रोजगार के मामले में तो कैसा देखा? मोदी जी तो केंद्र में हैं, लेकिन वहाँ की ये स्थिति है कि युवाओं का बेरोजगारी कर दी है वहाँ पर भी। राहुल जी आने चाहिए? हाँ, राहुल जी ठीक है,
ये महागठबंधन के लिए राहुल जी सही आदमी है, सही काम करते हैं। हाँ, युवा वर्ग है हमारे साथ, क्या लगता है, क्या चाहिए आप लोगों को, मुद्दा क्या है? हमको सरकार इतना आता है, हमको ऐसा हो गया कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, कोई सरकार पर नहीं। सब इतना अपना अपना जनता के लिए ढकोसला कर रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर जीतने के बाद कोई जनता को देखता नहीं है। कहता ना कि आता जाता नेता मंत्री सब है हवा के झोंका, हिंदुस्तान के धनमा खायला नेता मंत्री बनल बेमनवा। हम ये सब पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, तो तेजस्वी यादव से युवाओं को उम्मीद है, क्या लगता है आपको भी तेजस्वी यादव से उम्मीद है? हमको उनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, नहीं। किससे उम्मीद है हमको? जिससे है को सारा व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलावे तो सही, शिक्षा है, स्कूल है, स्कूल में टीचर उचर सब चीज़ बढ़िया से चलावे ढंग से, सब चीज़ कोई चीज़ चलाता ही नहीं है बढ़िया से, सब चीज़ होते हुए भी। कौन अब जो है मुख्यमंत्री का बिहार के, जिसको चलाना चाहिए आपके हिसाब से बिहार में कौन आना चाहिए? अभी तो ना ही तेजस्वी आना चाहिए, तो अभी नीतीश कुमार हैं तो नीतीश बाबू तो ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल तेजस्वी से तो बढ़िया ना है, तेजस्वी से बढ़िया है। हाँ, लोग तो कह रहे हैं तेजस्वी ठीक है, जातिवाद के बनाम पे वोट मांगे हैं। चलिए, किससे उम्मीदें हैं आने वाले चुनाव में? तेजस्वी यादव आएगा, तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी? बढ़िया काम करेगा, अच्छा आदमी, अच्छा काम करेगा। नीतीश जी का काम काज कैसा लगा? खराब लगा, उसका काम अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा ना। कौन आ रहा है 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में कौन आ रहा है पता नहीं, हम अभी तक वोट कभी किए नहीं है। नहीं, वोट किए नहीं है अब की बार? अब कितना उम्र कितना है पता नहीं है, ये नम नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स में। मुद्दा क्या होगा, क्या डिमांड है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। चलिए, क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। तो राकेश जी, 24 के चुनाव में क्या क्या दिख रही है आपको लहर की? मोदी जी हैं, 400 पार आएंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है विकल्प। मोदी जी को लोग रोजगार को लेकर के घेर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, जाके देखिए कितना रोजगार यूपी में मिला, ये मंदिर राम मंदिर बना है तो 400 पार आएंगे मोदी जी लोग रोजगार में गलवा, रोजगार नहीं, जाकर देखा ना, वो चाय बेचते जो 10,000 रुपये डेली कमाते, जाके देखो तो ना वहाँ पर ही 2,000 रुपये डेली कमाते, क्या दिक्कत है? रोजगारे ना है, रोजगारे ना चाहिए, अपना हाथ को दिन भर घूमे से रोजगार मिल जाएगा? अरे कीजिए, या देखिए 50-70 साल का जो चिड़िया बादाम बेच रहा है ट्रेन में तो वो कमा रही है, ये सब असल में मान लिया तो चाय के दुकान तो खुलवा बुझे आवर। बिहार के बारे में सोचो ना यार, यूपी या पंजाब और ये सब के बात कहो, बिहार का जो है ना, इतना हम जानते हैं कि तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं है बिहार में, और इससे हम ज़्यादा क्या बोलें। चलिए, कौन है बढ़िया? नहीं, जहाँ तक देखिए, अभी तो फिलहाल जो सामने हमारा मुद्दा है 2024, वो पूरे देश के लिए है, तो पर्सनली बिहार के बारे में तो सोचना नहीं है। तेजस्वी नए हैं, पर जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका अपना, वो चीज़ क्या है? नीतीश जी ने जो गलती बार बार करी उससे सब जनता परेशान है, पर विकल्प अब लोग बोल रहे हैं नीतीश, लेकिन जो सामने हमारा इलेक्शन है 2024 का, फोकस उस पर करिए, और बीजेपी आ रही है। राहुल गांधी है एक विकल्प जिस तरीके से? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए, एक सामने जो नेता है मोदी, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड लीडर, आज देखिए कि पूरे विश्व के नेताओं में कितने बड़े बड़े नाम हैं, उनमें मोदी का 67% समथिंग उनका ओवरव्यू है, और ये क्या राहुल गांधी का, जिनको बोलने का सही तरीका नहीं है। देखिए, गलत नहीं है नेता, वो तो पॉलिटिकल एक घर, अच्छे घर से हैं, उनके बाप दादा सब कुछ रहे हैं उसमें लोग, लेकिन जो एक उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या कैलिफोर्निया से पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, लेकिन जिस तरह का एक लेवल सामने दिखना चाहिए उनका, वो नहीं दिखता है। काम काज की बात करेंगे, देखिए शिक्षा जो है वो कहीं भी बाध्य नहीं है, बाधित नहीं करती है। मुद्दा तो यही लोग उठाते हैं क्यों? अब देखिए, अरे जैसे राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, मुद्दा तो वही उठाते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक जिसको आप अनपढ़ बोलते थे, वही अनपढ़ आदमी पूरे विश्व को हिला के रख दिया आज पटल पे। भारत के देखिए, जो लोग कनाडा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उन जब आते हैं तो देखिए उनका सीना कैसे उठ जाता है। अभी देखिए, अभी जैसे 8 लोग हमारे जो नेवी वाले थे, देखा आपने उनका, अगर आप खुद एक पत्रकार हैं, पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं, चौथे स्तंभ हैं आप लोग, ये देखिए कि अगर मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा पीएम होता तो वो 8 बंदे फांसी पे लटक जाने थे, दुनिया का कोई ताकत उनको बचाने वाला नहीं था, अगर बचाने वाला कोई हो तो सिर्फ मोदी।
उसमें दम है बंदे में। देखिए सारी चीजें एक तरफ हैं, युवा जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार दिख रहे हैं, नाराजगी है रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा सा है क्योंकि सरकार को जैसा करना चाहिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये एक मुद्दा है बेरोजगारी का। पर यह है कि देश बड़ा है, आबादी ज़्यादा है, तो इसमें जैसे उन्होंने कुछ स्टार्टअप शुरू किया तो हम लोग सिर्फ नौकरी पे फोकस ना करें। और जैसे हमारे बिहार के लोगों का क्या मानसिकता है कि हम पढ़ें तो हमें गवर्नमेंट नौकरी मिले, हाँ पहला प्रायोरिटी हमारा ये होता है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा एक स्टार्टअप में भी करें, अच्छे खासे मुद्रा लोन से पैसा भी मिल रहा है, चाहे और भी बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, तो उससे हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, आबादी बहुत है, और उससे कुछ पैसा कमाएँ, अच्छा खासा करें। तो वो सिर्फ नौकरी के भरोसे पे बैठना ठीक नहीं है, हालांकि नौकरी का मुद्दा थोड़ा सरकार इसमें फेल रही है, ये सही बात है। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होने जा रहा है? देखिए मुद्दा देश के अंदर की जो बात है, देश मजबूत हमारा कैसे होगा, अगर इकोनॉमिक्स अगर पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे कि प्रति व्यक्ति आय जब इंसान का बढ़ेगा तभी हमारा देश मजबूत होगा, तब हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा। आज क्या देश का स्थिति आप नहीं जानते हैं, कितना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, हैं पता है ना आपको, 10 लोग सिर्फ देश को चला रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि 10 लोग के हाथ में ही पूरा देश का धन हो, राज हो, पाट हो, सब कुछ रहे। तो उम्मीदें किससे हैं, उम्मीदें किससे हैं ऐसी स्थिति में? उम्मीदें हैं इंडिया महागठबंधन से।